हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशांत ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज आम प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यूज ऑफ यूनिट वन आउ एक पांच मार्क प्रश्न उत्तर डिस्कशन करवा जहाँकि आप थर्ड सेमिस्टर पे इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन रही। तो आज आम डिस्कशन करवा जे आप ड्रग्स एडिक्शन और अल्कोहलिज्म पे कौन कौन कारण गुड़िक रही है से आम प्रथम कारणटी फिजियोलॉजिकल कॉजेस शारीरिक कारण गुड़िक डिस्कशन करवा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट भिडियोटी रही है, भिडियोट शेष पर्यटन देखिए और चैनल को प्रथम थर आसे चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देबे जहाँ द्वारा ये प्लस थ्री ऑल सेमिस्टर क्लास गुड़िक आपने सर्वप्रथमें पहुँच पार। तो जो सांगर क्लास करेयर करदे और आम चैनल आपर कंपलसरी सब्जेक्ट कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास होने डिस्क्रिप्शन जाकि थर्ड सेमिस्टर कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास प्लेस जाएंगे से क्लास गुड़िक देखिपर। तो फिर चलते भिडियोटी स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स, से क्वेश्चन रही है आपको पांच मार्क प्रश्न उत्तर आसपे एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन रही है कजेस अफ अल्कोहलिज्म एंड ड्रग्स एडिक्शन। ये तो मैं आपने पढ़ीपे जेकोसी तीनो आपने कजेस लेख ड्रग्स एंड अल्कोहल एडिक्शन। तो फास्ट कजेस आप रही फिजियोलॉजिकल कजेस शारीरिक कारण गुड़िक कौन कौन उभय इंग्रजी ओडिया आम डिस्कसन करवा बहुत सहजे आपने बुझीपारे जो भी आप डाउट रोज निश्चय कमेंट से कमेंट करेंगे रही। इट हाज बीन डिस्कवर्ड दैट ए चाइल्ड हाज ए रिस्क हायर रिस्क ऑफ गेटिंग एडिक्शन इफ बोथ पेरेंट्स आर एडिक्ट। तो रहा यह आविष्कृत हो आप वैज्ञानिक पद्धति आविष्कृत हो उभय पितामाता जब निशासक्त हूँ तेज शिशुर निशा होवार आशंका अधिक थाए जदि आपर पितामाता निशा सेवन करें शिशुर आपर निशा होवार आशंका अधिक थाए। रही व्हाइली This does not imply that all addicts offspring will develop addiction. It does raise the likelihood. अच्छे जदि यह सूचित करे ना जे समस्त जोगी संतान निशा बढ़ाए यह संभावना को बढ़ाई थाए। तो ये कहला जे नुह आप सब पितामाता शिशु निशा हे आपल आविष्कृत हो जब पितामाता निशा सेवन कर तेज शिशु निशा सेवन आशंका थाए। तो एथेर केतक पितामाता थे जो मैंने निशा सेवन करेंगे कि शिशु निशा सेवन करनापर आपला दि टेंडेंसी फॉर अल्कोहलिज्म इन पर्टिकुलर टू रन इन फैमिलीज राइजेस दि पॉसिबिलिटी दैट बीइंग प्रेडिस्पोज टू एडिक्शन मे बी इनहेरिटेड। तो एथेर रहा आपर निशा सहित जड़ित होवार संभावना उत्तराधिकारी हो पारे। तापर आपर दि अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग यूज दि रेट ऑफ इंटेक रही इंजेक्टेड ड्रग्स आर मोर एडिक्टिव दि अवेलेबल टू एक्सेस एंड कॉस्ट ऑफ दि ड्रग एज वेल एज अदर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस आउटसाइड ऑफ दि फैमिलीज मे ऑल हैव एन इंपैक्ट ऑफ दि प्रॉब्लम्स ग्रोथ। तो रहा ड्रग व्यवहार परिमाण आवृत्ति ग्रहण मार्ग इंजेक्शन दिखाई ड्रग्स अधिक निशा अटे ड्रग्स उपलब्धता प्रवेश मूल्य तथा अन्यान्य परिवेश प्रभाव द्वारा आपर यह एडिक्शन होता है। तापर रहा परिवेश जो आपर विभिन्न प्रभाव द्वारा परिवार समस्त समस्या वृद्धि उपरे प्रभाव पकाई पारे। तापर अदर फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स सच एज अल्कोहलिज्म न्यूट्रिशनल आपर डिफिशिएंसीज एंड डिसफंक्शन ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम सच एज दि एंडोक्राइन सिस्टम आर थॉट टू प्ले ए रोल इन दि डेवलपमेंट ऑफ एडिक्शन। रहा आपर मद्यपान पुष्टिकर अभाव शारीरिक विभिन्न प्रणाली अक्षमता जपरिक एंडोक्राइन सिस्टम भाई अन्य शारीरिक उपादान गुड़ को निशा विकास एक भूमिका मुख्य भूमिका ग्रहण कर चिंता कराए। तापर रही बट नन अफ दिस् हाज रिसीव डिफाइन प्रूफ कितु एगुड़ी मध्य कौन सी निर्दिष्ट प्रमाण पाए। तो ये आपलेजे फास्ट हूँ आप जो कजेस अफ दि अल्कोहलिज्म एंड ड्रग एडिक्शन फास्ट कारण हूँ फिजियोलॉजिकल कजेस शारीरिक कारण गुड़िक शारीरिक कारण कह जो जदि आम पितामाता निशाशक्त हमें तेज आविष्कृत होती आम पितामाता निशाशक्त हमें तेज आम शिशु को निशा हमारे आशंका थाए कितु केतक संतान केतक पितामाता निशाशक्त था कि शिशु निशाशक्त हो न थाए। निशा सहित जड़ित होवार आर विभिन्न कारण रही आम जो ड्रग्स उपलब्धता तापर मूल्य तापर इंजेक्शन द्वारा ड्रग्स नवा तापर यही सब कारण द्वारा आम पर समस्त समस्या बुद्धि उपरे प्रभाव पकाई पारे।
ତାପରେ ମଦ୍ୟପାନ ପୁଷ୍ଟିକର ଅଭାବ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅକ୍ଷମତା ଯେପରିକି ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶା ବିକାଶରେ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପାଇନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କଜେସ୍। ସେକେଣ୍ଡ କଜେସ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୁଝି ହେଉନି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆହୁରି ଏହାକୁ ବେଟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଯାହା ବି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଏବେଠୁ ଆପଣ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ କରି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହିଁ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେଠୁ ନୋଟ୍ କରି ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେବେ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇପାରିବେ। ଆମର କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ପ୍ଲସ୍ ଅଲ୍ ସେମିଷ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ଜିକେ କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖିବା, ଧନ୍ୟବାଦ।